अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु दोस्तों, इमरान अली शाह यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट के साथ एक और वीडियो लेके हाजिर है। आज का मौजू बिल्कुल ही सिंपल सा है, आसान सा है। आपने अपने टूल्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उनको किस तरह मजबूत रखना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा ये स्क्रू ड्राइवर है, काम करते टाइम कभी चलती लाइन में काम करना पड़ता है तो हमारा हाथ टच कर जाता है, उंगली टच कर जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली अक्सर हमारे इलेक्ट्रिशियन हजरात, हमारे दोस्त भाई या घर में कोई भी टूल्स रखता है तो वो क्या करते हैं, इस पर टेप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। टेपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेप वक्त के साथ साथ हीट अप होते होते गर्मी में पड़े रहने से किसी भी तरह ख़राब हो जाती है। मैं आपको इसका बेहतरीन हल बताता हूँ, बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास एक 3 कोर वायर है 6 mm की, इसका आर्मर्ड हम यूज़ करेंगे इस टूल के लिए। चूँकि मैंने पहले से ही इसको काट के रखा हुआ था, इसका ये आर्मर्ड मैंने काट के रखा है। आपके टूल के मुताबिक आपको आर्मर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि मेरे पास 4-स्टार है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने काटने के बाद स्क्रू ड्राइवर इसमें लगा देना है। देखिए, बेहतरीन ना टेप करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना किसी चीज़ की। काम करते टाइम अगर आप इसे पकड़ भी लेते हैं, काम करेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, करंट से भी आप बचेंगे और आपकी सेफ्टी की सेफ्टी रहेगी, टूल्स भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो जनाब, यह तो एक सिंपल सी बात रही। मैं आपको एक और तरह भी टेक्निकल वे से एक और चीज़ बताता हूँ, एक दूसरे टूल्स को लेकर। ये तो देखें, किसी भी स्क्रू ड्राइवर को, इवन आप टेस्टर को भी जो है ना, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तो जनाब, हमारे पास अक्सर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं घर में जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जिस तरह कि मैंने भी आज तलाश करने पर मुझे एक वायर कटर, जिसे हम प्लास भी कहते हैं, इसकी एक ग्रिप सही है, दूसरी ग्रिप ना होने की वजह से इसे बेकार समझकर फेंक दिया गया, एक साइड पर रख दिया गया। तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जिस तरह कि मैंने आपसे कहा है कि पहले मैंने स्टार स्क्रू ड्राइवर के लिए 6 mm 3 कोर का आर्मर यूज़ किया था, इसके लिए भी हम आर्मर ही यूज़ करेंगे। नाप हम ले लेंगे इसका, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम कटिंग करके निकाल लेंगे। चूँकि मैंने पहले से रेडी करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। जो आर्मर हम इसमें करेंगे, ये ओरिजिनल कंपनी ग्रिप से भी अच्छा, मजबूत और बेहतरीन, खूबसूरत और इलेक्ट्रिक प्रूफ हो जाएगा। इसमें आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं शुरू में, यानी कि आप शुरू में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इसमें यूज़ कर लें अगर आपको मुश्किल होती है। तो जनाब, आप देखें, सिंपल सा फार्मूला आपकी जो कंपनी ग्रिप है उससे भी पायदार, बेहतरीन और ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ, इलेक्ट्रिक शॉक से भी महफूज, और ये आपका बेकार टूल जिसे आपने समझकर अलग एक जगह पर फेंका था, आपके काम आ गया। कोई चीज़ बेकार नहीं होती अगर आप थोड़ा जहन पर जोर दें। अगर नहीं है तो फिर भी इमरान अली शाह का टेक्निकल सपोर्ट चैनल आप देखें, आपको नित नई टेक्निक्स हर किस्म के हर मामले में देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि प्लीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं और मुझसे कमेंट्स में पूछें जिस चीज़ के बारे में भी आपको मालूमात लेनी हो, जो मेरा नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान अली शाह फ्रॉम टेक्निकल सपोर्ट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if